जब भी कभी शिकायत करते हैं तो गलत आदमी के साथ बैठकर शिकायत करते हैं। सही आदमी जो उसके ऊपर कुछ कर सकता है उसके पास में शिकायत करते नहीं है। और ज़्यादातर हम इनएक्शन में होते हैं, मतलब कहीं कृति करते नहीं और शिकायत करते बैठ के। और उससे हमारे ज़िंदगी में क्या असर पड़ता है वो हम आज देखने वाले आज के वीडियो में। तो आपका स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, ठाणे, पुणे यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हम पेशेंट को, मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं और रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं। दोनों व्यवस्था हमारे पास में। थाना में हमारे, हमने अभी नए हॉस्पिटल में हमको शिफ्ट कर लिया है, वहाँ भी काफ़ी सारी सुविधा है। हमारा जो मिशन है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। जो हमारे पास में पेशेंट आते हैं वो डिप्रेशन के, या एंग्जायटी के, या पैनिक अटैक के, हिस्टेरिया के, जो भी कोई आते हैं पेशेंट, तो उसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि वो उनका नेचर जो है वो कंप्लेनिंग रहता है, शिकायत करते रहते हैं। और होता क्या है कि हम गलत व्यक्ति के पास में जाके शिकायत करते हैं। जैसे पत्नी के बारे में मुझे शिकायत होंगी तो मैं बॉस के साथ में बातचीत करता हूँ और वहाँ बताता हूँ मेरी पत्नी कैसी है, और उसकी शिकायत मैं बॉस के साथ में या दोस्त के साथ में करता हूँ। और ऑफिस में कैसी तकलीफ है, ऑफिस में कैसा प्रॉब्लम है, उसकी शिकायत मैं जाके पत्नी के साथ में करता हूँ। और दोनों भी केस में, दोनों उसमें कुछ नहीं कर सकते। बॉस को बोलना मेरे लिए बहुत कठिन है, साहस लगता है कि देखो बॉस, हम है ना ये हफ्ते का प्लानिंग बनाएंगे ताकि हमको देरी रात तक काम करना नहीं पड़ेगा। या पत्नी को मुझे बोलना उसके लिए साहस लगता है कि देख तुम्हारा स्वभाव ये है, मेरा स्वभाव ऐसा ऐसा है और मुझे आपका ये पसंद नहीं है, ये बोलने के लिए साहस लगता है, क्योंकि फिर झगड़ा झंझट का डर लगता है। अभी आज से आप ठान लो कि आपने करना क्या है कि शिकायत करने के बजाय, यदि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले ने बदलना चाहिए, सामने वाले में कुछ चेंज होना चाहिए, तो शिकायत के बदले उसको रिक्वेस्ट करो, विनती करो। आप कुछ तो भी कृति करो उसके लिए, कुछ तो भी कृति करने के लिए बोलो। और सफल लोग यही करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं परिस्थिति को बदल नहीं सकता हूँ तो जो है उसको स्वीकार करो या वहाँ से निकल जाओ। पत्नी से नहीं पट रहा है तो रिश्ता अच्छा कैसा हो सकता है उसके लिए काउंसलिंग लो या डाइवर्स ले लो। आपको यदि काम अच्छा नहीं लगता है, कंपनी अच्छी नहीं लगती है, तो वहाँ शिकायत करने के बदले वहाँ से निकल जाओ, अलग कंपनी में जॉब लो, या फिर जो है वहाँ खुद को एडजस्ट कर लो। दुनिया आपको कुछ देने वाली है नहीं। हम वो इंतज़ार करेंगे कि सब कुछ सिचुएशन अच्छे हो जाएंगे, दुनिया मुझे कुछ देंगे, लोग मुझे कुछ सपोर्ट करेंगे, वो कुछ होने वाला है नहीं। आपको यदि शक्तिशाली जीवन जीना है तो उसका निर्माण आपको करना पड़ेगा। जो हो रहा है एक तो उसको स्वीकार करो, या आपको लगता है कि नहीं इससे अच्छा संभव है तो उसका निर्माण आपको करना पड़ेगा। एक उदाहरण के तौर पर आपको बोलता हूँ कि आप ऑफिस से या फैक्ट्री से या दुकान से लेट आते हो, आने के बाद में बहुत थके हुए खुद को महसूस करते हो, घर में जाके चाय नाश्ता शाम का लेते हो, फिर टीवी के सामने बैठते हो, फिर खाना खाएंगे, फिर और टीवी के साथ में सामने बैठेंगे, लेट रात तक टीवी देखते बैठेंगे, पत्नी को आपसे कुछ बात करना है तो उसकी बात सुनेंगे नहीं, पत्नी को दिन भर का जो कुछ हुआ है उसको आपको बताने का है वो सुनेंगे नहीं, बच्चे आपके पास में आएंगे उनको कोई डिफिकल्टी है वो आप सुनेंगे नहीं, आप अपने इसमें मस्त रहेंगे, दोस्तों को फ़ोन कॉल करेंगे। और ऐसे दिन चलते रहे, एक दिन आप ऑफिस में से वापस आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई। तो आपको ये देखना है कि जो भी आपके लाइफ में खराबा हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है कि आपने उसके बारे में कुछ किया नहीं, कुछ भी किया नहीं है, आप सिर्फ कंप्लेन करते रहे। तो आपको ये शक्तिशाली रूप की ज़िंदगी जीना है तो आपको आज से ये करना पड़ेगा कि शिकायत करना नहीं है, कंप्लेंट नहीं करने का है, वहाँ कुछ तो भी कृति करो, लोगों को रिक्वेस्ट करो, आप खुद प्रोएक्टिव बनो, है ना। और फिर वो उसमें काम करेंगे तो वो आगे जाके कुछ ब्रेकडाउन होगा नहीं। देखो कार आप चला रहे हैं, कार की आपकी सर्विसिंग आपने नहीं किया है, तो एक दिन रात को आपको रास्ते के बाजू में कार जब बंद होंगी तो रात को 12 बजे 2 बजे
खराब होगी करके बैठना पड़ेगा, या फिर आपका पेट खराब हो गया, आपकी तबीयत आज खराब है क्योंकि आपने कल रात को या कल दिन में आपको ऐसा कुछ लग रहा था कि तबीयत ठीक नहीं है, उस में आपने डॉक्टर से कुछ सलाह मशवरा नहीं किया और ट्रीटमेंट नहीं लिया। यदि आपको कंपनी से कोई प्रॉब्लम आता है, बॉस से कोई प्रॉब्लम आता है, समझ लो कि जो भी काम हो रहा था ऑफिस में वो आप पेंडिंग पेंडिंग करते गए और एक दिन बॉस ने एकदम ब्लास्ट करके, बॉम्ब ब्लास्ट करके आपके ऊपर तोप डाल दिया। मतलब जो भी हो रहा है वो आप समय पे, जो समय पे होना उस समय पे काम नहीं करते हो, कंप्लेन करते रहते हो और फिर एक दिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत बड़ी मुसीबतें आती है और फिर हम बोलते हैं कि देखो मेरा नसीब ख़राब है, देखो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, ऐसा करता तो अच्छा होता था, वैसा करता तो अच्छा होता था। हम परिस्थिति को दो देते घूमते रहते हैं, ये देखते नहीं कि मैंने क्या करना चाहिए था, मैंने उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी। तो आज से पक्का करो, शिकायत नहीं करने का है, रिक्वेस्ट करने का है किसको कि मैं क्या, मैं आपको विनती कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं एक्शन ले सकता हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, वो देखना है और अपनी ज़िंदगी शक्तिशाली बनाने की है। आपके संपर्क में काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको डिप्रेशन आता है, कौन सी वजह से, शिकायत करने की वजह से। मतलब उनके मन जैसी परिस्थिति होती नहीं है, लोग होते नहीं हैं और वो हरदम एक प्रकार का जो डिस्थाइमिया है, डिप्रेशन है, उसमें रहते हैं। ये वीडियो काफ़ी सारे लोगों को फैला दो, आपके ग्रुप में शेयर करो, उनको बताओ कि भाई आप जो भी सहन कर रहे हैं लाइफ में, जहाँ भी आपको लगता है कि मैं सहन कर रहा हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, देखो आप कंप्लेन कर रहे हो तो लोगों को ये समझ जाएगा, तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा, उनको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ जो बेल का चिन्ह आता है ना, उसको भी क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।